तो ये है मोटोरोला G13 और इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन का गूगल कैमरा यानी जी कैम कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन ठीक रहेगा इसके लिए और क्या ये सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट जी हाँ, सपोर्ट करता है और स्टेबल वाला ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। तो मैंने ट्राई किया है तो मुझे एक जी कैम मिला है, वर्जन में आपको बताऊँगा और कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताऊँगा, लेकिन वीडियो देख लीजिए कि इसमें फ़ोटो कैसा वगैरह आता है। तो ये रहा वो जी कैम जो मैं मोटोरोला G13 के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक स्टेबल है। आप इसका जो है वर्जन नेम देख सकते हो और इसका जो साइज़ है आप इधर भी चेकआउट कर सकते हो कि 572 MB का है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही आपको डाउनलोड हो जाएगा सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपका जो है कुछ परमिशन अलाउ करना होगा और इसका कुछ इंटरफेस आप देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। आपको नॉर्मल मोड में इस प्रकार से दिखेगा, नीचे आपको कैमरा, इस साइड में आपको वीडियो और इस साइड में आपको मोड्स का ऑप्शन दिखेगा जो आप पैनोरामा, फोटो स्पेयर, लेंस सभी जो है काम करते हैं, मैंने चेकआउट किया है। और इधर आपको वीडियो कैमरा, इस साइड में आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इधर आपको नाइट साइड का भी ऑप्शन दिख जाता है जो सभी काम करता है। और इधर आपको ऑप्शंस की बात करें तो इधर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फ्लैश ऑन अप करने का गूगल, अगर आपको और भी सेटिंग देखना है तो आपको मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा तो आपको जो है और भी सेटिंग दिख जाएगा, आप इधर से चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही सेटिंग है। और हाँ, एकदम सिंपल सा आपको इंस्टॉल कर लेना है और बस आपका काम हो जाएगा, और भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सेटिंग करना नहीं पड़ेगा, कोई भी फाइल एक्स्ट्रा डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, सिंपली इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कीजिए। जी हाँ, एकदम स्टेबल टाइप का है, आप देख ही सकते हो इस प्रकार से। फोटो क्लिक करने में टाइम लगता है, आप देखोगे इधर क्लिक किया मैंने, इधर सेव होने में टाइम लगता है लेकिन फटाफट जो है क्लिक हो जाता है, बस सेव होने में मतलब कि प्रोसेसिंग होने में, एक बैकग्राउंड में होता है तो आपका टेंशन नहीं है, आप बाकी काम कर सकते हो। देखिए इसके बाद आप बाकी काम कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो। और जो क्रैश की बात किया था मैंने, जब आप 0.8 के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर जो है क्रैश होता है सिर्फ यही सेटिंग पे, बाकी में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इधर जो है क्रैश हो जाता है, बाकी आप ऑन एक्स, टू एक्स पे करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करें आप, स्लो मोशन भी करें तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ, स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी सेटिंग भी आपका सब कुछ काम करेगा, टाइम लैप्स भी सब कुछ काम करेगा, बस ये जो 0.8 है जो है फालतू दिया गया है ये काम नहीं करता, अदरवाइज़ आपका सभी काम करेगा। आप जैसे देख चेकआउट कर सकते हो। मोड्स की बात करते जैसे मैंने को दिखाया पैनोरामा, फोटो स्पेयर और जो है आपको जो है लेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। इधर सेल्फी मोड की बात करें तो इधर भी आपको सेल्फी मोड दिख जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। और सेल्फी मोड में भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख जाएगा जो इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हो। इधर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑन एक्स और 1.2x, इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो इधर आप सभी काम ले सकते हो, आपको सिंपली डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है, बाकी सभी आपका काम करेगा। जी हाँ, काफ़ी हद तक स्टेबल है। आप तो सैम्पल्स की बात करें तो ये वाला फोटो इसके डिफ़ॉल्ट कैमरा से लिया गया है और ये वाला जो है इसके गूगल कैमरा से। आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि जो गूगल कैमरा में फ़ोटो क्लिक किया गया है एकदम नेचुरली फ़ोटो क्लिक करता है, और जो डिफ़ॉल्ट कैमरा में जो फोटो लिया गया है इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर देता है फोटो को, जो आप जैसे क्लियरली देख सकते हो। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये देखिए, ये वाला जो है नॉर्मल कैमरा से लिया गया है और ये वाला जो है जी कैम से लिया गया है। आप एकदम डिफरेंस देख सकते हो कि जी कैम में आपको डिटेल कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को मिलता है, ब्राइट ज़्यादा नहीं करता, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाता, ऑटोमेटिक कलर को जो है एकदम नेचुरल लुक में आपको क्लिक करके देता है जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। सिंपल देखिए इसके जो है सेल्फी का एक वाला जो फोटो है इसका जो है डिफ़ॉल्ट कैमरे से लिया गया है, आप देखोगे कि सेल्फी काफ़ी अच्छा आया है डिफ़ॉल्ट कैमरा में, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है इसमें भी, लेकिन फोटो देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जी कैम में आप फोटो क्लिक करोगे तो आप में इसमें देखोगे इसमें जो है नेचुरल को कलर को जो है ठीक ठाक करके रखा है। जो शर्ट है मेरा आप देख सकते हो, टी शर्ट, इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्राइट करके रखा है जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है, लेकिन जो जी कैम में शर्ट को ठीक ठाक से किया है, लेकिन मेरा जो फेस है वो सिस्टम कैमरा में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्राइटनेस को ज़्यादा करके दिया है तो थोड़ा फेस अच्छा लग रहा है सिस्टम कैमरा में। तो ये कलर सिचुएशन वाइज ठीक ठाक लगता है, तो अगर आपको जी कैम यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। तो जी हाँ, जो सिस्टम कैमरा है उससे अच्छा ही फोटो क्लिक करता है जी कैम में, तो डेफिनेटली आप जी कैम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मोटोरोला G13 के ऊपर जी कैम और सिस्टम कैमरा का थोड़े बहुत सैम्पल्स। तो मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं तो जी कैम में फ़ोटोज़ क्लिक अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम कैमरा। जी हाँ, फ़ोटो का डिटेल कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कई हद तक सिस्टम कैमरा में अच्छा फ़ोटो क्लिक आता है जैसे कि सेल्फी में। और वीडियो क्वालिटी तो इस फ़ोन का घटिया ही है तो उसमें क्या ही बोलेंगे। तो अगर आपको एक जी कैम चाहिए जो कई हद तक स्टेबल रहता है तो आप एक बार डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कई हद तक स्टेबल है, आप इसको फ्रीली यूज़ कर पाओगे, बस आपको डाउनलोड कर लेना है, बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करना है, तो आप सिंपली मोटोरोला G13 के ऊपर जी कैम यूज़ कर सकते हो।